नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश की मिस डीवा मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में जाती है और वहां से मिस यूनिवर्स का टाइटल हमारे देश के लिए लेकर आती है। मैं बात कर रही हूं हरनाज संधु की। लेकिन हरनाज संधु की मैं हिस्ट्री की बात करूं तो क्या आपको पता है कि डायरेक्ट कोई भी मिस डीवा का कॉन्टेस्ट या फिर मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाता। हरनाज संधु ने भी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, अपने कॉलेज में भी और उसके बाद नेशनल लेवल का प्राइज जीता और उसके बाद ही वो मिस यूनिवर्स कहलाई। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूं वो करनाल की एक जानी मानी हस्ती बन चुकी है, क्योंकि अब तक बहुत सारे खिताब वो अपने नाम कर चुकी है। सबसे पहले मैं यहां पर रखे हुए शानदार सैशे और ये शानदार ट्रॉफीज आपको दिखाना चाहूंगी कि उन्होंने आखिर किस तरीके से करनाल और हरियाणा का नाम रोशन किया है, क्योंकि उन्होंने मिसेज सुपर मॉडल इंटरनेशनल 2022 का उन्होंने खिताब हासिल किया है, जो कि चंडीगढ़ में ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और उन्होंने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया और हरियाणा को ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि खिताब भी हासिल कर वो करनाल में लौटी है। ये ब्यूटीफुल से सेशन आप देख सकते हैं और भी सबटाइटल्स उन्होंने अपने नाम करवाए हैं, जैसे कि ब्यूटी विद ब्रेन, क्या बात है, यानी कि सुंदरता के साथ जब आप बुद्धिजीवी भी होते हैं तो आपको और भी ज़्यादा प्रेज मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ रुबीना सिल्वानिया मौजूद हैं, जिनका पहले भी एक बार हम इंटरव्यू कंडक्ट करवा चुके हैं। पहले भी ये बहुत सारे खिताब हासिल कर चुकी हैं और जब इन्होंने लास्ट वाला, यानी कि जो लास्ट वन ब्यूटी पेजेंट में इन्होंने वहाँ पर विनर रही थी, जो वहाँ पर इन्होंने टाइटल जीता था, उसके बाद इन्होंने ठान लिया था कि अब चाहे मैं एक मैरिड लाइफ में जी रही हूँ, चाहे मुझे अपने बच्चे की भी देख रेख करनी है, अपने पति को भी संभालना है, लेकिन मैं अब मॉडलिंग लाइन में आगे बढ़ती हुई आगे जाऊँगी और पूरे देश का नाम रोशन करूँगी। रुबीना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे इस कॉन्टेस्ट के बारे में और कौन सा आपने इस बार टाइटल जीता है? ये कॉन्टेस्ट चंडीगढ़ हाईवे पे पार्क प्लाजा होटल है वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था जी। सुरुचि मैम ने इसको बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि महिलाओं को कैसे आगे आना चाहिए। वो एक स्टेज, ऐसा स्टेज है जहाँ से महिलाएं अपनी आइडेंटिटी आराम से बना सकते हैं, अपना टैलेंट आराम से विजिबल कर सकते हैं दुनिया के सामने। तो मिसेस कैटेगरी में और कितने पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर आए हुए थे, पूरे देश से क्या वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स पहुँचे थे? हाँ जी बिल्कुल, मिसेस कैटेगरी में अलग अलग स्टेट से काफ़ी लोग आए हुए थे जहाँ से मैंने ये किताब अपने नाम किया। तो मैम बहुत सुंदर आज आप लग रही हैं और एक बार मैं मैम का पूरा अटायर दिखाना चाहूँगी और ब्यूटीफुल सा चमचमाता हुआ क्राउन, क्या बात है मैम। इस तरीके का क्राउन तो मैंने मिस वर्ल्ड के सर पर सजा हुआ देखा है और आज आपके सर पर देख पा रही हूँ मैं ये क्राउन। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा फील करते हैं जब आप सिर्फ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाते नहीं हैं बल्कि जीत भी जाते हैं? हाँ जी, अच्छा लगता है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी फैमिली की सपोर्ट के साथ उनको प्रूव करके दिखाया कि जो मेरे अंदर टैलेंट था आज मैं उसको अपने आप से रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। मैम लास्ट टाइम मुझे याद है जब हमने एक इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया था, आपने पानीपत में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था, उसके बाद से आपने सोचा कि नहीं अब मुझे इसी लाइन में कुछ आगे करना है, मॉडलिंग लाइन में आगे करना है, यानी कि आपने पहले अपना प्रोफेशन भी छोड़ा था इसी की वजह से? यानी कि मैंने पहले, मैं गवर्नमेंट जॉब में थी एज ए आरी की पोस्ट पे में थी, लेकिन मैंने फिर फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि उनको ज़्यादा, मेरा बेटा छोटा था उसको ज़्यादा मेरी जरूरत थी, तो उसको देखते हुए फिर मैंने, कोरोना स्टार्ट हो गया उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम लगा और जैसे ही मुझे टियारा दा उसका पता लगा इवेंट का, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। वहाँ पर नीरू मैम ने भी ऐसे ही मोटिवेट किया जैसे सुरुचि मैम मोटिवेट करती हैं लेडीज़ को, तो ऐसे ही लेडीज़ जब मिल जाती हैं लाइफ में तो कोई भी महिला आगे बढ़ने में सक्षम हो जाती है। मैम कितने दिन ये पूरा कॉन्टेस्ट चलता है चंडीगढ़ में और किस तरीके से आप लोगों की ग्रूमिंग रहती है, यानी कि आपको क्या कुछ पहले सिखाया जाता है, ग्रूमिंग सेशन में कौन कौन था, और सेलिब्रिटी गेस्ट की बात करूँ तो किन से आपकी मुलाकात हुई इस बार? सेलिब्रिटी गेस्ट में शेफाक नाज महाभारत में जिन्होंने कुंती का रोल किया है वो वहाँ पर सेलिब्रिटी गेस्ट थे। और ग्रूमिंग की बात की जाए तो हमारी ग्रूमिंग जो अभी हमारी मिस यूनिवर्स रही हैं हरनाज संधु, उनकी ग्रूमिंग उनसे हुई हुई है, उनका नाम है आर्यमन भट्ट। क्या बात है, उनकी भी ग्रूमिंग उन्होंने की हुई है जिन्होंने आपकी ग्रूमिंग की जब वो चंडीगढ़ में थी, शायद उन्होंने ही उनको अच्छे से रैंप वॉक वगैरह, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने उनको सिखाया था। क्या बात है मैम। मैं कुछ और भी यहाँ पर टाइटल्स देख पा रही हूँ ब्यूटी विद ब्रेन का, क्या होता है मैम ये टैलेंट हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते होंगे, और कब आपको ये टाइटल मिला? ये टाइटल मुझे कल ही मिला है, 8 जनवरी को ये चंडीगढ़ में था जी। और इसके साथ साथ मुझे सब टाइटल से भी नवाजा गया, मैंने वहाँ पर सिंगिंग से अपना टैलेंट भी विजिबल किया, क्वेश्चन आंसर राउंड भी मेरा काफ़ी अच्छा गया था, और उसके साथ मुझे अवार्ड भी मिला है हरियाणा ब्रांड एम्बेसडर का।
अच्छा मैम, लास्ट टाइम भी आपने बताया था कि टैलेंट राउंड में आपने सिंगिंग करके दिखाई। मैं चाहूंगी कि चाहे दो लाइन ही सही आप एक बार सुना दें कोई भी सॉन्ग। श्योर। लिखी जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग की नजारे बन गई, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गई, जो रात आई तो सितारे बन गई। थैंक यू सो मच। वाओ, वंडरफुल। तो टैलेंट भी है, ब्यूटी विद ब्रेन भी है, सबसे बड़ी बात हरियाणा की मैम ब्रांड एम्बेसडर आपको बनाया गया है, ये क्या था, यानी कि अवार्ड फंक्शन भी था साथ में जो आपको इस अवार्ड से भी नवाजा गया है? हाँ जी सुरुचि मैम ने अवार्ड फंक्शन भी कंडक्ट किया था साथ ही साथ, और उसमें मुझे इस खिताब से नवाजा गया। बड़ा अच्छा लगा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि किसी और क्षेत्र में भी मैं जा सकती हूँ। मैम मुझे लगता है आपके वेट से ज़्यादा तो इस ट्रॉफी का वेट होगा, एक बार उठा के दिखाएंगे ज़रा, क्योंकि कल तो आपको ये संभालनी पड़ी होगी। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मैम इस पूरे सैशे के साथ, क्राउन के साथ, और ये एक काफ़ी शानदार ट्रॉफी है जिसके ऊपर मेंशन भी है कि मिसेज सुपर मॉडल इंटरनेशनल 2022 की ये विनर हैं और इन्होंने चंडीगढ़ में ये खिताब हासिल किया है। मैम बहुत आप सुंदर लग भी रही हैं और बहुत कुछ आपने करनाल के लिए किया, क्योंकि आप करनाल की महिलाओं को लगातार मोटिवेट करती हुई नजर आ रही है। करनाल की महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे और हरियाणा की तमाम महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ सब महिलाओं को कि अपनी एक जिंदगी अलग से जरूर चुनें कि हम घर के साथ और क्या कर सकते हैं। सब में एक टैलेंट होता है, लेकिन बस उसको निकालने में थोड़ा हमें खुद से सपोर्ट खुद के लिए करना चाहिए। जब वो टैलेंट अगर हम दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो सब हमारा समाज बहुत अच्छा है आज के टाइम में, सपोर्ट जरूर करेगा हमें। अच्छा मैं थोड़ा सा उधर आपकी नज़र पड़वाना चाहूँगी, क्योंकि प्रशांत जी हैं जो कि रुबीना सिल्वानिया के हस्बैंड हैं और लगातार रुबीना जी की बातें सुन रहे थे और चेहरे पर लास्ट टाइम की तरह सर आपकी मुस्कान है। इस बार भी सोचा था कि पहली बार जब ये गए थे पानीपत तो भी क्राउन जीत कर लेकर आए थे, टाइटल होल्डर थे, और आज भी सेकेंड टाइम विनर बनकर आए हैं। बिल्कुल 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 जी, सोचा तो देखो उम्मीद तो सबकी होती है, मुझे भी पूरा भरोसा था कि भाई कुछ ना कुछ तो बन के आएंगे, लेकिन जब विनर बने तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहुत ज्यादा खुशी। आप भी गए थे साथ में? हाँ मैं साथ गया था जी। क्या बात है सर, कैसा लगता है जब नेम अनाउंस होता है रुबीना मैम का वहाँ पर और आपको भी साथ में जाना होता होगा, ओके ओ माई गॉड स्टेज पर अब मैं भी जा रहा हूँ? स्टेज पे तो खैर मैं नहीं गया था, लेकिन फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। तो फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है। और ये देखिए रुबीना मैम के बेटे भी हैं यहाँ पर, आपका क्या नाम है? सूर्यांत। ओके आप कहाँ से? करनाल। ओके तो कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट। आपको पता है मम्मा क्या कर कर आए हैं? क्या किया है मम्मा ने? आपको प्राउड फील होता है? प्राउड फील होता है आपको? हाँ। ओके तो अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, शायद कैमरे के आगे आकर शर्मा रहे हैं, लेकिन मैम बहुत बहुत आपको बधाई हो। मैं चाहूँगी कि करनाल की जितनी भी महिलाएं इस खबर को देख रहे हैं, करनाल के जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप दोनों साथ में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, एक बार साथ में खड़े हो जाइए सर, हमेशा आप दूर दूर रहते हैं मैम से, लेकिन साथ में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है, और उसके साथ साथ मैम ने जो करके दिखाया अपने आप में काबिले तारीफ है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें, और आप भी रुबीना सिल्वानिया की कुछ भी कर सकते हैं अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है। तो आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आईएमएन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।